हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में आज हम प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं आपकी प्रीपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना ही भूल जाते हैं। आपके लाइक्स के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रीपोजिशन क्या है। सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन, वर्ड दैट लिंक नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब टुगेदर इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया में आपस में संबंध बना के रखता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को पोजिशन वर्ड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर ये हर जगह पोजिशन के लिए ही यूज़ नहीं होता है। ये कहीं कहीं पे डायरेक्शन बताता है, कहीं कहीं पे लोकेशन बताता है, तो बहुत सारी चीज़ें ये बताता है। इसीलिए इसे हम नाउन प्रोनाउन और वर्ब के साथ मिलकर जोड़ने वाला शब्द कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चूज द प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप। नंबर वन, रिया वेंट टू द स्कूल। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है टू। ये कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है? ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजिशन है, क्योंकि ये जगह बता रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर डिनर वी विल वॉच सीरियल। ये कौन सा प्रीपोजिशन होगा या इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है? इसमें प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन? इट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मतलब कब, कब हम देखेंगे सीरियल, यहाँ पे समय पूछ रहे हैं, तो ये होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। डोंट थ्रो द बॉल अगेंस्ट द वॉल। विच वन इज द प्रीपोजिशन? अगेंस्ट। ये कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? मतलब इट इज यूज टू शो मूवमेंट टू अ प्लेस और फ्रॉम अ प्लेस। यहाँ पे फ्रॉम अ प्लेस हो रहा है क्योंकि मना किया जा रहा है फेंकने के लिए बॉल को वॉल के अगेंस्ट में, डोंट थ्रो। तो वहाँ पे इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लगा रहा है कि कौन सी दिशा में मना कर रहा है उसे। नेक्स्ट, साइमन वॉक्स अराउंड द पिलर। अब साइमन पिलर के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसमें प्रीपोजिशन कौन सा होगा? अराउंड। और ये कौन से टाइप का है? ये भी है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे भी हम मूवमेंट बता रहे हैं, मतलब वो पिलर के किस तरफ चल रहा है, अराउंड चारों तरफ चल रहा है, तो वहाँ मूवमेंट हो रही है ना, तो किस दिशा में मूवमेंट हो रही है, तो जहाँ भी दिशा और मूवमेंट ये दोनों चीज़ आ रही है वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, चाइल्ड सिट अमंग द ट्रीज। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? अमंग। व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इट इज? प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, और वी कैन से दैट लोकेशन। अब अमंग द ट्रीज क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए बहुत सारे पेड़ के बीच में बैठा है, इसीलिए अमंग द ट्रीज। शो बिगिंस एट 9 PM। हियर एट इज द प्रीपोजिशन, और ये कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है एट। कौन बता रहा है? एट की कितने बजे एग्जैक्ट चालू होगा? 9 PM। नेक्स्ट, शीला डजंट हैव अ चेस बोर्ड एट होम। शीला के पास घर में चेस बोर्ड नहीं है। एट होम कहाँ पे नहीं है? एट होम, तो प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्लेस वी कैन से दैट। एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है ना, कहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है, तो यहाँ पे एट होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन। राजू पुश्ड हिज बॉल टुवर्ड्स रवि।
अब राजू ने अपने बॉल को रवि की तरफ पुश किया। यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स कब यूज होता है? ये भी है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी मूवमेंट टू अ प्लेस और फ्रॉम अ प्लेस हो रहा है, मतलब हिल रहा है ना, पुश किया उसने बॉल को, बॉल हिला, कहाँ गया? रवि की तरफ गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो इसलिए ये भी होगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और प्रीपोजिशन के ऐसे क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, वहाँ पे जाकर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।